हाय एवरीवन दिस आज हम नासा के वेब टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली एक पिक्चर यहाँ से कैप्चर uh, हुई है जहाँ एक नेपच्यून का जो प्लानट है सोलर सिस्टम का बहुत ही क्लियर व्यू आपको देखने को मिलता है और एज ऑलमोस्ट सॉटी थ्री ईयर्स के बाद हुआ है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये नेपच्यून के बहुत ही अच्छे पिक्चर इसने यहाँ पे हमको भेजा है क्लियर पिक्चर आप कह सकते हैं आ, इससे पहले इतना क्लियर इमेज हमें आज तक नहीं मिला था पर इस इमेज में खासियत ये है कि आपको क्रिस्प उसकी जो क्लियर रिंग्स हैं नेपच्यून की वो आपको बहुत ही क्लियर देखने को मिल रही हैं इससे पहले नासा वॉयजर टू था जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जिसने नेपच्यून को आ, कैप्चर किया था जब पहली बार वो उसके पास से गुजरा था 1989 में लेकिन उस टाइम इतना क्लियर इमेज नहीं था बट दिस टाइम द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसने बहुत ही क्लोज और इस तरह का पहला इमेज नैपच्यून को हमको क्लैरिटी से भेजा है ये वॉयजर टू ने 1989 में लिया था ये हबल टेलीस्कोप ने ट्वेंटी में लिया है नैप्चून का एंड यहाँ पे ये वेब का आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप ये रिंग्स देख सकते हैं कितना क्लियरली हमको दिख रहा है अगेन यू कैन सी द डिफ्रेंसिस बिटवीन द थ्री काइंड ऑफ पिक्चर्स वी हैव और नेपचुन आप जानते ही हैं सोलर सिस्टम का प्लानट है वी हैव लाइक एट प्लान मोकरी वीनस अर्थ मास जुपिटर साटन यूरेनस एंड योर नेपचुन अब इस पिक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है कि हमको क्या फ़ायदा है इसका अब यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं हमारे स्पेस एजेंसी के इसको बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे इसकी आउटर प्लानट के देखिए वैसे भी स्पेस एजेंसी ने वेब टेलीस्कोप इसका मेन काम है कि आउटर प्लानट्स जो हैं उसको अच्छे से ये इन्वेस्टिगेट करें देखें ताकि हमको कोई नई चीज़ पता चले हम हमेशा स्पेस को लेकर बहुत क्यूरियस रहते हैं ये ढूंढते रहते हैं क्या कहीं और लाइफ पॉसिबल है वेरियस अदर थिंग्स सो हम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं इसके बारे में अब वॉयजर टू के बारे में जो मैंने बात की जहाँ पे आप ये ये वाला फर्स्ट इमेज देख सकते हैं नाइनटीन में उसको वहाँ से पिक्चर हमारे पास आई थी तो अब वॉयजर टू के बाद ये क्लैरिटी हमको ये दिखाती है देर इज मोर प्लानट नैप्चून जो हम शायद नहीं जानते पहली बार शायद हम नेपच्यून के रिंग्स को इनफ्रा लाइट में भी चेक कर रहे हैं ये ये ने रिंग्स का पिक्चर है जो 1989 में कैप्चर किया गया था अब नासा की माने तो वेब जो है ये टेलीस्कोप बहुत ही ज्यादा स्टेबल है इसकी पिक्चर्स बहुत ही ज्यादा प्रोसाइज हैं क्वालिटी भी है कि चलो जो ये फेंट रिंग्स हैं इनको ये डिटेक्ट करता है विच आर देयर क्लोज पिक्चर हमको इतना दिखा है नाउ वेब ने एक इस टेलीस्कोप का एक और पिक्चर जो हमको मिला है जो सेम पिक्चर इसमें देखा है इसकी खासियत यह है कि 14 नॉन मून्स है नेपच्यून के उनका क्लियर पिक्चर भी साथ साथ हमको दिखता है अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ वेब पोर्ट्रेट में नेपच्चून के एक ब्राइट पॉइंट आपको नजर आता है जो स्पाइक्स रेडिएट कर रहा है जैसे आप किसी भी स्टार को देखेंगे जैसे सन है तो आपको ऐसे ब्राइट सा पिक्चर दिखेगा और ऐसे लाइट स्पाइक्स दिखेंगी बट डेफिनेटली दैट इज नॉट अ स्टार वो नेपच्यून के पास कोई स्टार नहीं है उसका एक अनयूजल मून है जिसको ट्राइटन कहा जाता है तो so, काफी कंडेंस्ड नाइट्रोजन आपको यहाँ पे दिखेगी ट्राइटन ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जो उसकी सर्च फेस पे आती है सो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने फर्स्ट इमेज जो नेपचून की ली और यहाँ पे क्लोजली इसका ये स्टार ये देखिए लाइट आपको दिख रही है ऐसे रेडिएट होती हुई ये इसका ट्राइटन जो मून uh, है दैट uh, इज उसका पिक्चर यहाँ पे लिया गया है बाकी मून्स भी आप देख सकते हैं जो पिक्चर यहाँ पे लिया गया है सो uh, so, अगर प्लानट की बात करें नैप्चुन ये बर्फ का गोला है आइस जॉइंट है इसका केमिकल मेकअप उसके इंटीरियर की वजह से हम इसको ऐसा बोलते हैं बाकी जो गैस जॉइंट हैं जैसे जुपिटर इज गैस जॉइंट साट नैपचून जो है उसमें खासियत यह है कि हाइड्रोजन हीलियम से सेवियर एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और रेडी रेडिली अगर आप देखेंगे ब्लू कलर का हमको नेपचून हमेशा दिखा है जो मैंने आपको शुरू में तीन इमेजेस दिखाई फर्स्ट टू इमेजेस जो हबल और वॉयजर ने लिया आपको दिखेगा ब्लू कलर का है लेकिन वेब टेलीस्कोप में आपको ऐसा नहीं दिखेगा right? But definitely ये जो का हमको क्या बताता है जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप भी छा उसने भी ये सिग्नेचर ब्लू अपियरेंस नैप्चून की हमको दिखाई थी लेकिन वेब से हमको नैपचून ब्लू नहीं दिख रहा अब नैप्चुन बेसिकली इसके एटमॉस्फेयर में मिथेन है

विजिबल लाइट में ऑपरेट विजिबल लाइट के स्पेक्टर में ऑपरेट नहीं करता नियर इंफ्रारेड कैमरा जो इसका है वो वर्क करता है अब मिथेन गैस जो नेपच्यून पे है वो बहुत स्ट्रांगली रेड और इंफ्रारेड लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है इसलिए आपको प्लान थोड़ा डार्क नजर आएगा नियर इंफ्रारेड रेड वेवलेंस पे एक्सेप्ट योर हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स जो वहाँ पे प्रेजेंट है ये अलग अलग प्लानट्स हैं जिनकी रिंग्स हैं तो आपको पता होना चाहिए प्लान विद रिंग्स तो ये सैटन जूपिटर यूरेनस, नेप्च्यून है जिनके रिंग्स आपको मिलते हैं सो <coughs> नेपच्यून so इस तरह से ब्लू दिखता है आपको बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग एंड दब्जॉर्न ऑफ रेड लाइट तो ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए सन से काफ़ी दूर है इसलिए हम इसको नेकेड आई से तो नहीं देख सकते फोर्थ लार्जेस्ट प्लानट है थर्ड मोस्ट मास्व एंड डेंसेस्ट प्लानट है ये सोलर सिस्टम का एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ पे विंड सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पावरफुल पूरे सोलर सिस्टम में विंड सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा और नैप्टन का नाम रोमन गॉड ऑफ़ द सी के नाम पे रखा गया है वेब टेलीस्कोप के बारे में बात करें टेन बिलियन डॉलर जेम्स वेब टेलीस्कोप को डेवलप किया किसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी कैनेडियन स्पेस एजेंसी ये सवाल यूपीएससी पूछ चुका है और यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है इसका रोल या आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं इट कैन का इसको लॉन्च किया गया था डिसंबर ट्वेंटी फिफ्थ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में करेंटली तो आप देख सकते हैं अर्थ के ऑर्बिट के बाहर सन यू नो जैसे 1.5 मिलियन किलोमीटर बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन सन के आगे पीछे अर्थ के ऑर्बिट के बाहर की चीजें ऑब्जर्व कर रहा है पहला टेलीस्कोप इसका जो पहला इमेज आया था फर्स्ट जुलाई 2022 को आया था तो इस तरह से आ, ये आपका वेब टेलीस्कोप है इसमें मिरर्स हैं प्राइमरी मिरर सेकेंडरी मिरर, मिररर सनशील्ड एंटना स्टेबलाइजेशन फ्लैप स्पेसक्राफ्ट बस इस तरीके से इसकी बनावट है काफी सारे आपने मीडिया में प्रिंट मीडिया में पढ़ा होगा जुपिटर लाइक नेवर सीन बिफोर थ्रू द वेब टेलीस्कोप जुपिटर की इमेज इसने भेजी थी और कॉस्मिक क्लिप्स भेजे थे आ, ये क्लिप्स आप देख सकते हैं बहुत सारी पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी ये डाइंग स्टार की फाइनल परफॉर्मेंस शेडिंग लाइट गलेक्सी के एवोल्यूशन एंड ब्लैक होल्स का पिक्चर स्टीफन क्विंटेट सदर्न रिंग नेबुला ये कैरिना नेबुला तो बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर्स इसने यूनिवर्स के स्पेस के आउट देर हमको भेजे हैं तो दिस इज इट और लेटेस्ट इसके बारे में यही है वेब टेलीस्कोप के बारे में कि नेपच्यून की रिंग्स क्लियरली भेजी है नेपच्चून का पिक्चर इसने बहुत ही क्लियरली हमें भेजा है जिसको अभी और ऑब्जर्व किया जाएगा उस पर पढ़ा, पढ़ा जाएगा और शायद कुछ नया भी हमको मालूम चले सो यू कैन स्टार्ट योर preparation विद एना के आर्मी बहुत सारी चॉइस आपको एजुकेटर्स की यहाँ पे मिलती है एंड टू एंड प्रिपरेशन आप यहाँ कर सकते हैं विद लाइव एंटोरशिप बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट हमेशा नहीं आता सो अगेन आई वुड से यूज अ कोड वीरोस सी टू सब्सक्राइब ताकि आप मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको हमेशा रहे ट्वेंटी नाइन्थ को लेटेस्ट बात शुरू हो रहा है इसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं मेन्स टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है आईकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव मेन्टोर भी मिलता है और ई एम आई अगर आप देखेंगे जीरो परसेंट इंटरेस्ट है इस पर ऑप्शनल्स की टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डाउट दरबार आपका ट्वेंटी नाइन्थ तक है तो so इसका बेनिफिट जरूर लीजिए सो दिस इज़ द कोर्स इसको याद रखिए अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो so इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगेन दिस इज अंडर आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर क्वेरीज थैंक यू सो मच